हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में रिएक्ट कर रहा हूं मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर जिसका टाइटल छोटा सा है मगर पावरफुल है, हाउ पावरफुल इज़ पाकिस्तान। सो ये वीडियो देखेंगे हम और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, हाउ पावरफुल इज़ पाकिस्तान। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। आप दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज़ की लिस्ट सर्च करें या बेस्ट आर्मी की, बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की लिस्ट सर्च करें या फिर टॉप न्यूक्लियर स्टेट्स की, पाकिस्तान आपको हर जगह ही मिलेगा। पाकिस्तान एक की रोल प्ले करता है जब साउथ एशिया या इवन एशिया एंड मिडिल ईस्ट के मामलात पर बात की जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। दिस इज गौर अली रिज़वी एंड यू आर ऑन माई चैनल। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के दरमियान डीमिलिटराइज जोन के बाद अगर कोई बॉर्डर बहुत ही हैवीली गार्डेड है तो वो शायद पाकिस्तान एंड इंडिया का ही है। पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर तकरीबन 1.5 लाख फ्लड लाइट से रोशन रहता है और नासा के मुताबिक ये बहुत चंद बॉर्डर्स में से एक है जो कि खला से भी नजर आता है। पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8,82,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी आबादी तकरीबन 21 करोड़ तक की है, जिनमें से 6,45,000 के करीब फौजी जवान पाकिस्तान की एक्टिव आर्मी का हिस्सा है। इसके अलावा 5,15,000 के करीब रिजर्व मिलिट्री पर्सनल हैं, जो कि पाकिस्तान को दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी के खिताब देने तक ले जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 4 लाख पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, जिनका मेन काम मुल्क में अमन कायम रखना होता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, एक इंटरनेशनल आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में से आता है जहां 89% तक लोगों का कहना है कि वो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं। यानी कि तकरीबन हर 10 में से 9 पाकिस्तानी अपने वतन के लिए जान देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी तकरीबन 1 ट्रिलियन USD तक की है, जिसमें से 7.6 तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के डिफेंस का बजट है। जंग की सूरत हाल में पाकिस्तान के पास जमीन पर 2,924 टैंक्स हैं, 2,828 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, 465 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, 3,278 टोल्ड आर्टिलरी गन्स हैं और 134 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम्स हैं। टैंक्स में पाकिस्तान की बैकबोन अल खालिद बैटल टैंक। इस तस्वीर से अंदाजा होता है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क को लैंड बैटल में बहुत सख्त टाइम ही नहीं दे सकता, बल्कि उसे हराने की भी ताकत बआसानी रखता है। आसमान पर भी थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं, पाकिस्तान के पास टोटल 960 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें F-16, JF-17 Thunder एंड फ्रेंच डिसॉल्ट मिराज शामिल हैं। अटैक हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान के पास AH-15 कोबरा और AH-1Z वाइपर शामिल है, जो कि पाकिस्तान ने पिछले ही साल इंडक्ट किया है अपनी फोर्स में। बहरिया में पाकिस्तान के पास 30,000 नेवी पर्सनल हैं, जिनके साथ पाकिस्तान के पास एक क्रूजर है, 10 फ्रिगेट्स हैं, 8 सबमरीन हैं, 3 माइन वॉरफेयर हैं और 17 पेट्रोल शिप्स हैं। इन सब के बाद भी पाकिस्तान के पास मिसाइल की अपनी एक वास्ट रेंज मौजूद है, जिसमें हतफ जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की है, नसर जो कि 70 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, अब्दली जो कि 200 किलोमीटर तक के अहाते को निशाना बना सकता है, क्रूज मिसाइल्स में बाबर 1 एंड बाबर 2 हैं जो कि 750 किलोमीटर तक निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स में गजनवी है जो कि 300 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और शाहीन 1 है जो कि 900 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मीडियम रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जिसमें गौरी 1 एंड गौरी 2 हैं जो कि 1800 किलोमीटर तक निशाना दाग सकते हैं, अबाबील 2,200 किलोमीटर तक, शाहीन 2 2,500 किलोमीटर तक और शाहीन 3 2,750 किलोमीटर तक निशाना लगा सकते हैं। और अभी तक तो हमने न्यूक्लियर वॉरहेड की बात ही नहीं की है, जिससे डैमेज अनथिंकेबल हो जाता है। एक और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास 120 से 140 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं और पाकिस्तान के मोस्टली मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के काबिल हैं। और आप रेंज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा खतरा बन सकता है अपने दुश्मन के लिए। और इस पर जब पाकिस्तानी DGISPR कहते हैं, वी नॉट विश टू गो इनटू वॉर बट प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड शुड यू इनिशिएट एनी एग्रेशन फर्स्ट
यू शैल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस. पाकिस्तान आर्म फोर्सेस शैल नेवर बी सरप्राइज बाय यू, बट लेट मी शोर यू वी शैल सरप्राइज यू. एंड आई होप यू गेट दिस मैसेज एंड डोंट मेस विद पाकिस्तान. ये सुनकर एक सुकून मिलता है और इत्मीनान रहता है कि पाकिस्तान की आर्मी एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है. होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो. लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi. YouTube पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo. लो भाई इतना पावरफुल है पाकिस्तान, देख लिया हमने भाई. इसके अंदर बहुत कुछ था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी. बॉर्डर का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जो बहुत ही ऊपर से दिख जाती है ऐसा कुछ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर की लाइटिंग रहती है. मुझे नहीं पता फ्लड लाइटिंग क्या होती है, बहुत तगड़ी लाइटिंग वाइटिंग होती होगी, जो भी है वो लाइटिंग की वजह से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ऊँचाई से भी देखा जा सकता है. ये एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है भाई. और जो भी एरिया है पाकिस्तान का जितना बड़ा है, मुझे नंबर्स याद नहीं रहेंगे एक्चुअली इसमें, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ इन्होंने बताया है. और बहुत बहुत ज़्यादा 1800-1900 किलोमीटर की रेंज की इन्होंने मिसाइल्स या हथियार जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो थे. हाँ बॉर्डर की बात कर रहा था मैं, तो बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा सही था. और जो आवाम है अब 21 करोड़ के आसपास की इन्होंने बताई थी, लेकिन अब 22 करोड़ से ऊपर हो चुकी है पब्लिक. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इसके अंदर सुनी कि 10 में से 9 पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, एक सर्वे में ऐसा निकल कर सामने आया. बहुत ही शॉकिंग था, मतलब 10 में से 9, शॉकिंग नहीं कहूँगा, देश के लिए एक जुनून एक जज्बा जान कुर्बान करने का होता है लोगों में. अब चाहे वो आबादी या फिर बहुत सारी कैलकुलेशंस आप पीछे रखते हैं उसके, तो उसको साइड रखता हूँ, मैं नहीं रखूँगा उन सारी कैलकुलेशंस को यहाँ पर. लेकिन हाँ ये जज्बा होना ज़रूरी है और बहुत सही है किसी भी कंट्री के लिए, लोगों के लिए. लेकिन हाँ ये रेशियो जो है, ये जो नंबर निकल कर आए हैं 10 में से 9, मतलब एक बंदा कि मैं जान नहीं दूँगा, लेकिन हाँ 10 में से 9 खड़े हैं भाई, हम खड़े हैं. आप लगा सकते हैं 10 में से 9 यानी कि 90% ऑलमोस्ट आप पॉपुलेशन जान देने को तैयार है अपनी कंट्री के लिए. तो ये बहुत ही तगड़ी बात है. भले ही छोटा हो देश, भले ही पॉपुलेशन औरों से कम हो, लेकिन जो हथियार या फिर जो पावर रखता है पाकिस्तान उससे टक्कर भी दे सकता है और हरा भी सकता है कुछ कंट्रीज़ को, दुश्मन मुमालिक यानी कि दुश्मन मुल्कों को तो हरा सकता है. सो वैसा इन्होंने बताया इसमें, एंड इंटरेस्टिंग वीडियो था. इसके बाद और एक DGISPR जो है उन्होंने उनका इन्होंने वीडियो दिखाया था, उसमें यार उन्होंने तगड़े बोल बोले थे कि यार अगर दुश्मन लोगों को लगता है कि वो हमें सरप्राइज़ कर सकते हैं किसी भी हथियार या किसी भी चीज़ से अटैक कर कर के, इनके पास ये है हम नहीं जीत पाएंगे, सो उन्होंने बोला कि आप हमको नहीं, हम आपको सरप्राइज़ कर देंगे अगर ये सब कुछ करने की कोशिश की या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं. तो वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर था. बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा ये वीडियो. वाकई में पाकिस्तान पावर तो है भाई. हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग.